पीजीटी कमीशन्स के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके टॉप 10 मैगजीन्स में लास्ट के 8 मंथ में हाइलाइटेड हुए, न्यूज़पेपर में हाइलाइटेड रहे और आपके प्रीवियस पेपर्स में भी हाइलाइटेड रहे हैं। दोस्तों, अगर आप फुल पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं पीजीटी कमीशन्स के लिए, नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स के लिए, तो ये है एचपीजी के हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। सभी कोर्सेज आपको प्रोफेशनल्स के अंडर करवाए जाते हैं और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इजीली टीजीटी कमीशन्स आप अपना क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लीजिए, पूरी की पूरी डिटेल्स आप प्राप्त कर लीजिए। चलिए लेक्चर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ टीजीटी सीरीज फॉर 2020। जैसे आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, यहाँ इस सीरीज में हम साइंस बूस्टअप करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉर बोथ मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम। 20+ टारगेट स्टूडेंट्स, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। यहाँ हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, हर डाउट क्लियर हो जाए। नो रॉट मेमोराइजेशन। योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू स्पीक। और एनर्जी कैसी बिल्डअप होती है? विद कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आपका आता है जब आपके हर डाउट क्लियर हों। इस सीरीज में हम हर डाउट को क्लियर करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निम्नलिखित में से किस में नकारात्मक तापमान गुणांक है? कार्बन, आयरन, मैग्नीज और सिल्वर। स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं हमारे साथ साथ, और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं कि आप आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ओके, सो टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जिनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हैं, दैट मटेरियल्स आर नोन एज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स। विद द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जनरली जो भी आपके सेमी कंडक्टर मटीरियल्स रहते हैं वो ये फिनोमिनन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम एटसेट्रा। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट इज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है लेड डाइक्लोराइड, टिन डाइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, टिन टेट्राक्लोराइड। इट्स टेट्राक्लोराइड, नॉट डाइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहता है, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट? इट्स ऑप्शन नंबर बी, टिन डाइक्लोराइड। टिन डाइक्लोराइड में क्या रहता है, इसमें जो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो +2 रहती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है टिन डाइक्लोराइड में। टिन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है टिन की, वो रहती है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में टिन की कैपेसिटी रहती है कि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करें। इसके लिए ये ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी के कारण ही। नेक्स्ट इज, एटीपी बास डिस्कवर्ड बाई, एटीपी किसके द्वारा खोजा गया था? ब्लैकमैन, लिपमैन, कार्ल लोहमैन और बाउमैन। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लोहमैन। कार्ल लोहमैन के द्वारा एटीपी की डिस्कवरी जो थी वो की गई थी 1929 में। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी जो थी वो की गई थी अलेक्जेंडर टॉड के द्वारा 1948 में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट इज, वेन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज टू, वेन डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग किया जाता है फॉरवर्ड, मेजर हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, प्रोड्यूस हाई एसी पोटेंशियल, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस हाई डीसी पोटेंशियल और कंपेयर हाई डीसी पोटेंशियल। सो व्हाट इज द राइट आंसर? दिस इज वेन डे ग्राफ जनरेटर। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टू प्रोड्यूस हाई डीसी। राइट आंसर, वेन डे ग्राफ जनरेटर। वेन डे ग्राफ जनरेटर में क्या रहता है, आपकी टू इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक अपर रीजन में होता है और एक लोअर रीजन में रहता है। बीच में टू रोलर्स होते हैं, अपर एंड लोअर रोलर। रोलर के अराउंड मेटल की एक बेल्ट लगी होती है, उसके अराउंड चार्ज रहता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, सेकंड साइड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज।
और इसके साथ इसमें क्या लगाया जाता है, एक स्फेरिकल डिवाइस रहती है विद नेगेटिव चार्ज। जैसे इसको नियर बाई लाया जाता है, रोलर्स मूव करता है, नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट डेवलप हो जाता है इसमें मेटल स्फीयर में। नेक्स्ट इज नेफ्थलीन, अ वोलेटाइल लिक्विड इज बेस्ट प्योरीफाइड बाय। नेफ्थलीन एक बाष्पशील तरल सबसे अच्छा शुद्ध होता है किसके द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन। क्रिस्टलीकरण, आसवन, भाप आसवन या उच्च बनाने की क्रिया, किसके द्वारा नेफ्थलीन जो है वो प्योरीफाई किया जा सकता है सबसे अच्छी तरीके से। यस स्टूडेंट्स, बाय सब्लिमेशन। वोलेटाइल सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो हीट करने के बाद इजिली चेंज कर देते हैं अपनी स्टेट को, तो जो नेफ्थलीन रहता है वो इजिली सब्लाइम हो जाता है। सब्लिमेशन मीन्स, सब्लाइम्स मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में चले चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, चाइनाइड इसमें नेफ्थलीन लिया जाता है और उसके बर्नर के ऊपर रख दिया जाता है, ऊपर से एक इन्वर्टेड फनल रख दी जाती है विद कॉटन प्लग। तो जैसे ही हीट करेंगे नेफ्थलीन जो है वो ईजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर्स की फॉर्म में ये आपका गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर बाद में ये क्या होगा, जैसे ये फनल आपके ऊपर से क्लोज रहेगी तो गैसीय फॉर्म में ये यहाँ कंडेंस हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा प्योर फॉर्म में। ये जो वेपर यहाँ से निकल रहे हैं, ये वेपर जो है वो फनल की साइड में अटैच हो जाएंगे और धीरे धीरे कंडेंस हो जाएंगे। इज प्योर नेफ्थलीन। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेज इट्स एक्सक्रीशन बाय किडनी इज। हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है और गुर्दे द्वारा इसके उत्सर्जन को कम करता है, कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, पैराथॉर्मोन। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पैराथॉर्मोन। सीरम में क्या रहता है, कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम जो वो डिटरमिन करती है हार्मोन पैराथॉर्मोन को। इसमें क्या रहता है, जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है ये स्क्रीट किया जाता है पैराथायरॉयड सेल्स के द्वारा। पैराथायरॉयड सेल्स की सरफेस के ऊपर कैल्शियम के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ये कैल्शियम जो है वो अटैच हो जाता है पैराथायरॉयड सेल्स की सरफेस के ऊपर। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी उससे क्या होगा, पैराथायरॉयड सेल्स जो है वो अपनी सीक्रेशन जो है वो कम कर देंगे। और अगर कैल्शियम का लेवल जो वो डाउन चला जाता है तो पैराथॉर्मोन जो है वो अपनी सीक्रेशन इंक्रीज कर देंगे, पैराथायरॉयड सेल्स अपनी सीक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, प्लस किडनी को जो किडनी ट्यूब्यूल्स रहते हैं उनको स्टिमुलेट कर देंगे टू रीअब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम यूरिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो वो रीअब्जॉर्ब हो सके यूरिन से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द क्वेश्चंस और आंसर्स देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। सो क्लियर योर डाउट्स विद अस। इफ अ वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, इट्स रेजिस्टेंस विल। यदि एक तार को 0.1% लंबा बनाने के लिए बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध होगा, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। एक तार है उसको 0.1% लंबा बनाने के लिए बढ़ाया जा रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी। मान लीजिए इनिशियल लेंथ जो है वायर की वो एल है, मान के चले इनिशियल लेंथ जो है वो एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो आर है। तो आफ्टर जब आपने चेंज कर दिया उसके बाद उसकी लेंथ मान लो एल प्राइम बन गई, एरिया ए प्राइम एंड रेजिस्टेंस आर प्राइम। तो इसमें क्या रहता है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन चेंज किस में हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है। तो एल प्राइम कितना इंक्रीज हो रही है, 0.1% लंबा बनाया जा रहा है, मीन्स एल प्लस 0.1% ऑफ एल। क्लियर, सो यहाँ का क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1.001 एल। इतना बन गया आपका एल प्राइम। वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम एज इट इज रहेगा, मीन्स बी प्राइम इज इक्वल टू वी। एंड बी क्या रहता है आपका, एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। सो अगर बी प्राइम की बात करें वो आपका क्या रहेगा, ए प्राइम एल प्राइम इज इक्वल टू ए एल इनिशियल वन। सो एल वन क्या है आपका, यहाँ ए वन ए प्राइम सॉरी इंटू 1.001 एल, सो इज इक्वल टू ए एल। तो यहाँ ए प्राइम की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो ए प्राइम आपका क्या बन जाएगा, ए प्राइम इज इक्वल टू
ए अपॉन दैट इज इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई 1.001। तो ये आपका एरिया, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन गया आफ्टर चेंज। अब हमने कैलकुलेट करनी है न्यू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रहो एल प्राइम ए प्राइम, रहो न्यू रेजिस्टेंस दैट इज आर प्राइम इज इक्वल टू रहो एल प्राइम और ए प्राइम। सो अगर यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आपकी वैल्यूज क्या बन जाएगी, एल प्राइम आपका 1.001 एल और ए प्राइम आपका 1 अपॉन सॉरी ए इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई 1.001। सो अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करें तो आपका क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 1.001 होल स्क्वायर आर, आपकी वैल्यू बन गई आर प्राइम की। सो हियर आर प्राइम अगर सॉल्व करें इज इक्वल टू 1.002 आर, ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस बन गई। हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना बनेगा। फॉर फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। सो यहाँ न्यू रेजिस्टेंस आपकी क्या बन रही थी, न्यू रेजिस्टेंस आपकी फाइंड आउट हुई 1.002 आर माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। तो अगर यहाँ हम आर को कॉमन ले लेते हैं, आर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और माइनस वन हो जाएगा, तो ये आपकी क्या बन जाएगी रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.002 इंटू 100 एंड इज इक्वल टू 0.2%। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस बाई 0.2%। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। यस स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दिस विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे ही बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। बेसिसिटी जो है वो इन्वर्सली रहती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से। बेस स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल एल्काली हाइड्राइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे ही साइज इंक्रीज करता है बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, बेसिक स्ट्रेंथ जो वो इंक्रीज करती है। तो साइज में आपका सीजियम लार्जेस्ट वन, देन पोटाशियम, आफ्टर दैट सोडियम एंड देन लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या रहे, बेसिसिटी किसकी, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी, सीजियम हाइड्रोक्साइड की। नेक्स्ट इज मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाई अवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग फेफड़े तक पहुंचाया जाता है, किस फॉर्म में, अटैच टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ, डिजॉल्व इन द ब्लड, रक्त में घुला हुआ, एज बायोकार्बोनेट आयंस, बायोकार्बोनेट आयनों के रूप में, एज कार्बोनेट, कार्बोनेट के रूप में। तो किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है हमारी बॉडी में, तो ये तीन वेज में होती है, फर्स्ट रहता है डिजॉल्व इन ब्लड, सेकेंड वाउंड टू हीमोग्लोबिन एंड थर्ड एज बाइकार्बोनेट। तो इसमें मैक्सिमम जो रहता है वो आपकी परसेंटेज रहती है एज बाइकार्बोनेट, 10% डिजॉल्व इन ब्लड, 30% बाउंडेड टू प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन एंड 60% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एज बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूज वायर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फ्यूज वायर या फ्यूज तार के रूप में किया जाता है, कॉपर, टीन, अलॉय ऑफ लैडेंटीन और अलॉय ऑफ आयरन एंड कॉपर। यस, फ्यूज वायर क्या होती है, फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाती है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्यूज। फ्यूज एक तरह से वायर का ही पीस होता है जो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो, लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उस मटेरियल का, क्यों, ताकि अगर ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है करंट की, तो जो मटेरियल यूज किया गया है एज अ फ्यूज वो मेल्ट हो जाए। जैसे ही हीटिंग होगी अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो रहा है तो वो हीट अप हो जाता है, तो वो मेल्ट कर जाएगा, उससे क्या होगा, सर्किट जो वो ब्रेक हो जाएगा। सर्किट के ब्रेक होने से
हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो प्रोटेक्ट रहेगा, उसमें बर्निंग के चांसेस नहीं रहेंगे। सो यहाँ फ्यूज़ में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और अदर अलॉयज। अलॉयज में मेन अलॉय रहता है लेड और टीन अलॉय। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मेजोरिटी में मेन मोस्टली यूज किया जाता है अलॉय ऑफ लेड एंड टीन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कैसिटीराइट इज एन ओर। कैसिटीराइट एक अयस्क है, किसका? मैग्नीज, निकल, टीन, एंटीमनी। विच वन इज द राइट आंसर? कैसिटीराइट इज एन ओर ऑफ टीन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसिटीराइट क्या रहता है? कैसिटीराइट जो है वो आपका इट्स आल्सो नोन एज टिन स्टोन। टिन डाइऑक्साइड इज अ कैसिटीराइट। एक हैवी मेटेलिक हार्ड टिन ऑक्साइड होता है। जब ये प्योर फॉर्म में होता है तो उस टाइम ये कलरलेस होता है, और इम्प्योर फॉर्म में ये ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट इज चार्ल्स डार्विन ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड ऑन अ शिप फॉर 5 ईयर्स 1831 टू 1836। इट वॉज चार्ल्स डार्विन ने 5 साल 1831 या 1836 के लिए एक जहाज पर दुनिया का चक्कर लगाया। ये था, ये कौन सा जहाज था नाम बताना है? एपीएस विक्रांत, डब्ल्यू एच फिलिप्स, एचएमएस बीगल और नन ऑफ दीज। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एचएमएस बीगल। हियर एचएमएस स्टैंड फॉर हिज और हर मेजेस्टी शिप। ये जो भी एचएमएस एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है फॉर शिप्स ऑफ द नेवी। और बीगल वर्ड जो वो लिया गया है, एक डॉग का नाम था बीगल, वहां से इसका नाम लिखा है बीगल। सो एचएमएस बीगल जो शिप थी उसके थ्रू इन्होंने ट्रेवल किया था राउंड द वर्ल्ड फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट इज अ हीटर कॉयल इज कट इन टू टू इक्वल पार्ट्स एंड ओनली वन पार्ट इज नाउ यूज इन द हीटर। द हीट जनरेटर विल नाउ वी। एक हीटर का तार दो समान भागों में काटा जाता है और केवल एक भाग का उपयोग अब हीटर में किया जाता है। अब उत्पन्न होने वाली गर्मी अब कितने अमाउंट में हीट जनरेट होगी? 1/4, डबल्ड, 4 टाइम्स और हाफ्ड। अगर आप हीटर की कॉयल को कट कर दे रहे हो, उसका स्माइल कर दे रहे हो, तो उसमें क्या रहेगा? तो इसमें हीट जनरेट का अमाउंट क्या रहेगा? हीट जनरेट जो वो हीटर कॉयल में क्या रहती है, उसकी रेशियो की अगर हम बात करें, उसमें हीट जो है वो इज इक्वल टू रहती है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू टी। वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इंटू टी। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस रहती है, वो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। अब रेजिस्टेंस जो लेंथ जो है वो हाफ हो जा रही है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। आर हाफ जो रहेगा वो आपकी न्यू रेजिस्टेंस रहेगी। तो आपका न्यू हीट भी क्या रहेगी? न्यू हीट में भी चेंज हो जाएगा। न्यू हीट आपकी क्या बन जाएगी? एच न्यू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर हाफ इंटू टी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? न्यू हीट जो बनेगी आपकी क्या बन जाएगी? 2 × v² डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। हेयर v² डिवाइडेड बाई आर इंटू टी वो इनिशियल हीट थी, और अब उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 टाइम्स। सो हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डबल्ड। अगर आप हीटर की तार को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे और 1 पार्ट को यूज करोगे, तो हीट का अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। जितनी लंबी वायर होगी हीट उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल है NCl3, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड या नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इनमें से किसमें स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल रहता है? स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल की बात करें वो रहता है आपका एंटीमनी ट्राइक्लोराइड में। क्यों? जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सेंट्रल एटम का साइज जो है वो इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स के बीच में वो इंक्रीज कर जाते हैं, और बॉन्ड एंगल जो वो शॉर्ट हो जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज ब्रेन सुगर इज। ब्रेन सुगर क्या है? माल्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, इनमें से कौन सी ब्रेन सुगर है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लैक्टोज इज नोन एज ब्रेन सुगर। व्हाई? ग्लैक्टोज वो नेचर में एब्सोल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है। ये फॉर्म होती है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। जो मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसकी हाइड्रोलिसिस से ग्लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है।
या फिर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में डी ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है डी ग्लैक्टोज में। ग्लैक्टोज है क्या? ये एक चीफ कंपोनेंट रहता है ग्लाइकोलिपिड्स का, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और नर्व सेल की माइलिन सीथ में प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ से हमें मेन इसके ये प्रेजेंट रहता है? आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में और सुगर बीट में। तो ये ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ब्रेन के डिसऑर्डर को क्लियर करने में ये हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ब्रेन सुगर। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, पूरी तरह से काले शरीर की अवशोषिता है क्या रहती है? जीरो, लेस देन वन, वन और इन्फिनाइट। राइट आंसर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अब्जॉर्प्टिविटी रहती है वन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड फॉर 4D ऑर्बिटल इज, 4D कक्षीय के लिए गोलाकार नोड्स की संख्या है कितनी रहती है? जीरो, वन, टू, थ्री। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स आल्सो नोन एज रेडियल नोड्स, वो कितना रहता है? एन इज इक्वल टू स्मॉल एन माइनस एल माइनस वन। सो 4D है तो एन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? एन स्मॉल एन इज इक्वल टू फोर एल, 4D के लिए डी ऑर्बिटल के लिए एन एल की वैल्यू रहती है आपकी टू, तो फोर माइनस टू माइनस वन, तो आपका क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू वन। सो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज वन। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एडिबल मशरूम इज, खाद्य मशरूम है अगेरिकस, पक्षीनिया, मॉर्चेला, स्टर्निया। यहाँ दो ऑप्शन सही हैं आपके, अगेरिकस और मॉर्चेला। मॉर्चेला आर सो नोन एज ट्रू मॉरल और एडिबल स्टैक फंजाई और स्पॉन्ज मशरूम। ये एक हाईली प्राइज्ड ये रहता है मशरूम रहता है, क्योंकि इसकी ये काफ़ी डेलिकेट होता है, इसकी डेलिकेसी काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्वादिष्ट रहता है ये। और अगेरिकस की बात करें, अगेरिकस बोथ एडिबल फॉर्म में भी रहता है और पॉइजनस फॉर्म में भी रहता है। सो यहाँ राइट आंसर आपका ए और सी बोथ रहेंगे, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट इज किर्चॉफ लॉस आर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, किर्चॉफ के नियम डैश के संक्षेपण पर आधारित हैं। मास एंड चार्ज, चार्ज एंड एनर्जी, एनर्जी एंड चार्ज, नन ऑफ दीज। किर्चॉफ लॉ की बात करें, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड क्या रहता है आपका, कि अगर एक जंक्शन के ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ करंट जितना आ रहा है उतना ही अमाउंट उसे वापस जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ करंट कमिंग एट अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ करंट गोइंग अवे। सो इट इज फर्स्ट लॉ जो वो इसका बेस्ड रहता है टोटल चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर। सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ रहता है जितने भी एक लूप में कंपोनेंट्स हैं उनमें पोटेंशियल ड्रॉप जो रहेगा उनका सम जो है वो जीरो होना चाहिए। सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स इन अ लूप मस्ट बी जीरो। सो सेकेंड लॉ जो वो बेस्ड ऑन रहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो राइट आंसर इज, अगर हम रिस्पेक्टिवली देखें, सीक्वेंस में देखें, तो फर्स्ट आपका चार्ज, सेकेंड एनर्जी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इरेगुलर ऑर्डर में देखें तो आपका सी ऑप्शन भी राइट हो सकता है, बट रेगुलर उसमें देखें तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द वॉन्ट्स आर नॉट इक्वल, इनमें से किस में सभी वॉन्ट जो वो बराबर नहीं होते हैं? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, बोरोन टेट्राफ्लोराइड, C2H4 और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। इनमें हम डिफरेंट इसमें बात करें तो BF4 आपका क्या रहता है, इसमें बॉन्ड एंगल बॉन्ड जो है वो आपके टेट्राफ्लोराइड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं 4 फ्लोरिन के साथ। सिलिकॉन ट्राइफ्लोराइड में sp3 कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन रहती है विद 2 लोन पेयर्स। अगर C2H4 में देखें, C2H4 में क्या रहता है, बाकी इन सभी में सिंगल बॉन्ड सिंगल सिग्मा बॉन्ड रहते हैं। C2H4 में कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो वो डिफरेंट रहती है। सो बॉन्ड्स इन C2H4 आर डिफरेंट। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा इज, कोलेनकाइमा क्या है? थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स, थिन वॉल्ड डेड सेल्स, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, थिक वॉल्ड डेड सेल्स। वट इज कोलेनकाइमा? कोलेनकाइमा आर द लिविंग सेल्स विद इरेगुलरली थिकंड वॉल्स एट कॉर्नर्स। सो दीज आर थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स,
दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है. नेम द हेड ऑफ थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. जो थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है उसके हेड कौन थे, उनका नाम बताना है आपने कमेंट बॉक्स में. दिस इज ऑल अबाउट. इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आप और प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन कंसल्ट अवर प्रोफेशनल्स ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर 8278723715. थैंक यू.